मैं विशाल कुमार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। जैसा कि आप सभी को बताइए, हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन हुआ। गठबंधन के बाद जयपुर में ये पहली रैली है और जिसकी तैयारी आप देख पा रहे होंगे, किस तरीके से यहाँ पे तैयारियां हैं वो आप देख सकते हैं। बहुजन समाज के तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा करें और यहाँ की अभी तैयारियां मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी लगभग 11 बजे हुए हैं और अभी कार्यक्रम में काफी ज्यादा समय है और इस तरीके से तमाम ग्राउंड लोग आने लग गए हैं और ये तैयारियां हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुजन समाज के तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और तैयारियां काफी ज्यादा जोरों पर है। कुछ लोगों से बात करूंगा मैं। क्या नाम हुआ सर? सुखनाराम चौधरी। आज की रैली से क्या राजस्थान की राजनीति में बदलाव? आज की रैली का मुख्य कारण यही है, कांग्रेस और बीजेपी को राजस्थान से भगाना है, हनुमान जी बेनीवाल को लाना है। चंद्रशेखर आजाद और हनुमान एक हो चुके हैं, इन दोनों के एक साथ आने से कितनी सीटों में? बहुत ही अच्छी बात है। ये चंद्रशेखर जी और हनुमान जी एक हो गए, इसके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आरएलपी और आजाद समाजवादी पार्टी है, बहुत ही राजस्थान में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छे परिणाम आएंगे। कितना समय है जी कार्यक्रम में? कितना समय कार्यक्रम तो पूरा ये भरेगा पंडाल, तो देखे जाए अभी हनुमान जी बने वाले आते तब देखते हो, भीड़ उमड़ पड़ेगी, आज पक्का करके ही जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये तैयारियां हैं, तमाम जो अतिथि हैं उनके लिए चेयर भी लगाई गई हैं और इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये बड़ी रैली हनुमान बेनीवाल जी का फोटो यहाँ पर लगाया गया है और इधर स्थान विद्या नगर स्टेडियम है और 29 अक्टूबर को आई ये बड़ी रैली है। इधर चंद्रशेखर आजाद का फोटो है, आप इधर से आओ। तो ये चंद्रशेखर आजाद का फोटो है तो आप देख सकते हैं। एक बार इधर का नज़ारा कहूँगा, इधर दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर पूरा माहौल है। आप देख सकते हैं तैयारियाँ काफ़ी ज़्यादा जोरों पर हैं, इस तैयारियों में काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है। जो भी बहुजन समाज के लोग जो भी इस रैली की शोभा बढ़ाने आएंगे उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था की गई है, तमाम धूप वगैरह उनको किसी प्रकार की परेशानियाँ ना हो इसका भी विशेष ख्याल रखा गया है। यहाँ पर आए लोगों से मैं बात करूँगा किस तरीके से इस रैली में चंद्रशेखर आया कि गठबंधन और हनुमान बेनीवाल गठबंधन को देखते हो और क्या प्रभाव रहेगा, ये सब मैं आज की इस वीडियो में बात करूंगा। फिलहाल आप इस वीडियो में आया शेयर करें।